दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन, शिमरन हेटमायर और बटलर को बेहतरीन धाकड़ बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई की टीम के खिलाफ संजू सैमसन और जॉस बटलर ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मुंबई की टीम की हेकड़ी निकाल कर रख दी और कुछ ऐसे खतरनाक छक्के भी ठोके सैमसन व बटलर ने के देखकर रोहित शर्मा के भी होश उड़ गए थे। सैमसन और बटलर की इस तूफानी पारी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, संजू सैमसन, जॉस बटलर और रोहित शर्मा में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का कारवा वाकई में अब चलने लगा है। आपको बता दें कि दिन पर दिन मुकाबले रोमांचक होते जा रहे हैं, पॉइंट्स टेबल अपना आकार ले रही है और ऐसा ही एक और बड़ा धमाकेदार मुकाबला खेला गया मुंबई और राजस्थान की टीम के बीच में। मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ। मुंबई की टीम हार कर आ रही है और दूसरी तरफ राजस्थान की टीम तो सबसे तगड़ी मानी जा रही है और जीत कर भी आई। हालांकि दोस्तों, मुंबई के कप्तान रोहित टॉस जीत गए और पहले गेंदबाजी चुन ली। हर कोई यही कर रहा है मुंबई के मैदानों में, क्योंकि रिजल्ट गेंदबाजों के फेवर में ज्यादा है। टीम पहले गेंदबाजी करती है उसके फेवर में तो और भी ज्यादा। मुंबई की पलटन ने सोचा कि राजस्थान की टीम को खदेड़ कर रख देंगे, जल्दी विकेट्स ले लेंगे, लेकिन आज उल्टा ही हो गया। 200 पारी के दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को एक रन पर आउट करके मुंबई की पलटन जरूर खुश हो गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये विकेट इतना भारी पड़ेगा उनको, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर जॉस बटलर और संजू सैमसन ने अपनी पूरी टीम के बल्लेबाजों की ही कमी को पूरा कर दिया और खास तौर पर बटलर ने। आपको बता दें कि जायसवाल के जाने के बाद दोनों खिलाड़ियों के माथे पर शिकन तक नहीं थी और बटलर ने जहां एक छोर से छक्के और चौकों की बरसात को करना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरे छोर से सैमसन ने भी अपनी तूफानी पारी का आगाज कर दिया। पारी के दूसरे ही ओवर में डेनियल सैम्स को एक शानदार छक्का जड़कर 200 बटलर ने साफ कर दिया था कि उनका अंदेशा क्या है। इसके बाद तो मानो कि बटलर ने अपनी गाड़ी को सिक्स्थ गियर में डाल दिया और फिर पारी के चौथे ओवर में बटलर ने बसल थम्पी के साथ जो किया उसे देखकर तो रोहित शर्मा तक के माथे पर पसीना आ गया था। 200 बसल थम्पी के इसी ओवर में बटलर के बल्ले से पूरे 3 छक्के निकले और 2 जोरदार चौके भी, और इस एक ही ओवर से बटलर ने अपनी टीम के लिए पूरे 26 रन जुटा दिए थे और इन्हीं 26 रनों से आगाज हो चुका था कहीं ना कहीं राजस्थान की तूफानी पार्टनरशिप का। हालांकि इस बीच पड़ीकल भी 7 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन अब मैदान में एंट्री हुई संजू सैमसन की, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर साथ दिया जॉस बटलर का। एग्रेसिव पारी खेलते हुए दोस्तों संजू सैमसन ने भी आते ही पोलार्ड को चौका जड़कर अपनी पारी का भी अंदेशा साफ कर दिया था। दोस्तों, इसी बीच पारी के 8वें ओवर में जॉस बटलर ने अपना 50 पूरा किया, वो भी मात्र 32 गेंदों में। डेनियल सैम्स को लगातार 2 चौके जड़कर 32 गेंदों में बटलर अब अपना 50 पूरा कर चुके थे, लेकिन अभी तो बटलर का शतक लगना भी बाकी था। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस तूफानी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया एक कदम आगे बढ़ के संजू सैमसन ने। आपको बता दें कि टाइमल मिल्स, डेनियल सैम्स तक की मुर्गन अश्विन को बैक टू बैक सिक्सेस जड़ डाले संजू सैमसन ने। इन 3 छक्कों की मदद से दोस्तों सैमसन भी 20 गेंदों में ही 30 रन पर पहुंच गए थे और दूसरी तरफ जॉस बटलर भी 56 गेंदों में ऑलमोस्ट 90 रन बना चुके थे। दोस्तों, बटलर अपने शतक के बेहद ही करीब थे, लेकिन ये पारी किसी शतक से कम भी नहीं। हर कोई आज बटलर की जमकर तारीफ भी कर रहा है, क्योंकि उनकी बदौलत ही 15 ओवर के अंदर ही राजस्थान की टीम का स्कोर लगभग 150 तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, बटलर के ठीक बाद मैदान में एक ऐसा भी खिलाड़ी आया जिसने पोलार्ड को सुझा कर रख दिया। आपने सही पहचाना, यह बात शिमरन हेटमायर की हो रही है। दोस्तों, हेटमायर मैदान में आए और पोलार्ड रोहित के पसीने छुड़ा कर रख दिए। एक ही ओवर में पोलार्ड के बैक टू बैक 2 छक्के जड़े और फिर बैक टू बैक 3 चौके भी जड़कर एक ही ओवर में 25 रन निकाल दिए अपनी टीम के लिए। ये ओवर मैच टर्निंग था और पोलार्ड को पीटने के बाद हेटमायर का तूफान यही नहीं रुका। आगे चलकर टाइमल मिल्स को भी छक्के और चौके जड़कर 13 गेंद में ये खिलाड़ी 35 रन लगा चुका था 300 के स्ट्राइक रेट से। और इस बीच बटलर ने भी अपना शतक पूरा कर लिया, वो भी मात्र 66 गेंदों में। लेकिन दोस्तों, हेटमायर के तूफान को, बटलर की धाकड़ शतकीय पारी को और सैमसन की भी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।